हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमएलडीएफ एजुकेशंस। मैं हूं जहरुल खान, सीईओ एंड एडमिशन कंसल्टेंट एमएलडीएफ एजुकेशंस। आप लोगों के सामने फिर हाजिर हो एक नया वीडियो लेके। आज आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं बांग्लादेश का एक फेमस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे बांग्लादेश का एक फेमस मेडिकल कॉलेज ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं इस कॉलेज के बारे में। तो ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज है एक बहुत ही बड़ा का इन कैंपस कॉलेज है। यह कॉलेज 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। इस कॉलेज को 127 एकर्स लैंड में सिचुएटेड है। ये कॉलेज सिराजगंज के बैंक ऑफ द रिवर में सिचुएटेड है। तो एफिलिएशन के बारे में बात करें तो ये कॉलेज है, ये जो ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ये राष्ट्रीय ही यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलेटेड है। ये कॉलेज बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के द्वारा भी रिकॉग्नाइज है। और ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज जो है वो MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा भी अप्रूव है। सो इंडियन स्टूडेंट कैन चूज टू स्टडी MBBS इन दिस कॉलेज। कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो ये जो कॉलेज है ढाका सिटी से यानी ढाका एयरपोर्ट से ओनली 135 किलोमीटर डिस्टेंस है। ये सिराजगंज का बैंक ऑफ द रिवर में सिचुएटेड है। ये बहुत ही अच्छा या कंफर्टेबल कम्युनिकेशंस के माध्यम से आप इस कॉलेज में पहुंच सकते हैं। अगर हम एडमिशन प्रोसीड्यूर के बारे में बात करें तो आइए हम देखते हैं फॉरेन स्टूडेंट यानी इंडियन स्टूडेंट कैसे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसीड्यूर टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फी स्ट्रक्चर फॉर द फॉरेन स्टूडेंट्स। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस कॉलेज का जो टोटल फी है फॉरेन स्टूडेंट के लिए वो है 40,100 US डॉलर यानी इंडियन रुपीज से अप्रोक्स 31 लाख होता है। यह 1 USD डॉलर इक्वल टू 72 रुपी हिसाब किया गया है। इसका जो फर्स्ट ईयर का फी होता है वो टोटल 50,000 US डॉलर होता है और एट द टाइम ऑफ सीट बुकिंग आपको 5,000 US डॉलर यानी अप्रोक्स 3.6 लाख पे करना पड़ता है। बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज यू हैव टू पे 10,000 US डॉलर यानी इंडियन रुपीज से अप्रोक्स 7.2 लाख आपको पे करना पड़ता है। रिमेनिंग जो फी होता है आप इक्वली 4 इंस्टॉलमेंट में आप इस कॉलेज में पे कर सकते हैं। ये जो फी डिटेल्स मैंने आपको बोला है ये सारे फी आप कॉलेज के अकाउंट में पे कर सकते हैं और हॉस्टल के लिए आपको एक्स्ट्रा 2 या 3,000 आपको पे करना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं अभी एडमिशन प्रोसीड्यूर के बारे में। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो कुछ क्राइटेरिया है जो फुलफिल करना पड़ता है, स्टूडेंट को फुलफिल करना है। एडमिशन के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट ने हर साल एक सर्कुलर निकलते हैं, उस टाइम पे इस कॉलेज का नाम मेंशन करके एक पर्टिकुलर फॉर्म जो होता है वो फॉर्म फिलअप करके थ्रू बांग्लादेश मिशन अब्रॉड के ऑफिस के जरिए आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके अलावा भी ये फॉर्म सबमिशन के लिए आपको बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ता है, जैसे अप्रोस्टाइल करना पड़ता है, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है, बांग्लादेश एम्बेसी का अटेस्टेशन करना पड़ता है। इसके अलावा भी 60 US डॉलर यानी 60 USD डॉलर का टेलीग्राफिक TT ड्राफ्ट करके उस फॉर्म के साथ सबमिट करना पड़ता है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए और एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो सारे पेपर्स और के MLDF एजुकेशन खुद कर देते हैं। तो आप MLDF एजुकेशन के माध्यम से इस कॉलेज में स्पॉट एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ भी स्टूडेंट को कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है, जैसे कैंडिडेट शुड हैव 3.5 GPA इन क्लास 10 एंड 12, कैंडिडेट मस्ट हैव नीट क्वालिफाई एंड कैंडिडेट मस्ट हैव 60% मार्क्स इन बायोलॉजी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 12 पास होने के बाद 2 साल से ज़्यादा गैप होना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, फाइनली आप लोगों के सामने ये कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया है। तो आप लोगों को और एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये जो कॉलेज है ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, इसके साथ 1000 बेडेड हॉस्पिटल भी अटैच्ड है। इसका जो पेशेंट फ्लो है और बहुत ही क्राउडेड है, बहुत सारे पेशेंट होता है। और सिराजगंज के ये बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है। ख्वाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बेसिक फैसिलिटी के बारे में बात कर रहे तो इसमें इस जो कॉलेज है ये बहुत ही बिग कैंपस वाला कॉलेज है। इसका ग्रीन एनवायरनमेंट है। इस कॉलेज में इन कैंपस में सेपरेट बॉयज एंड गर्ल हॉस्टल है। इसके अलावा भी इस कॉलेज के कैंपस में प्रोफेसर कॉलोनी भी है। बहुत सारे प्रोफेसर या टीचर्स इस कॉलोनी में या हॉस्टल में रहता है।
फ्रेंड्स, ये खाजा यूनुस अली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बारे में मैंने जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया है, जो बातचीत किया है इस वीडियो में, इसके अलावा भी आप लोग कॉलेज का वेबसाइट विजिट करके आप लोग डिटेल्स देख सकते हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप इस कॉलेज में MBBS स्टडी करना चाहते हैं, तो आप MLDF एडुकेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टेट में ब्रांचेस ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस है गुवाहाटी यादावरी जैन मार्केट, आप MLDF एडुकेशन के साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का और वीडियो देखने के लिए और कॉलेज के बारे में जानने के लिए और कोर्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे साथ जुड़े रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।